उन समस्त दुष्टों के दमन के लिए जो भगवती प्रकटि है, ऐसे स्वरूप को दर्शन करते हुए प्रणाम कर ले, माँ हम पर आपकी कृपा ही बनी रहे हमेशा। सब दुष्टों का दमन करना और माँ मेरे भीतर के सब राक्षसी स्वभावों का दमन करना। महिषासुर बाहर नहीं, ये भीतर वृत्तियों में बैठा है, किसी न किसी वृत्ति में, लालच में, लोभ में, वासनाओं में ये महिषासुर बैठा है। इन सब वृत्तियों को समाप्त करना और माँ भगवती मेरे हृदय में प्रकट हो जाना। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और जो महिषासुर आपने माँ उस समय मारा था, हमारे भीतर के महिषासुर को भी समाप्त करना। माँ कौन है महिषासुर? वो महिषासुर जो स्त्री को कमजोर समझता है, स्त्री से पैदा होकर भी स्त्री को कमजोर समझे, वो महिषासुर ही है, याद रखना। जिसमें वासनाएं भरी हो और किसी भी स्त्री को देख करके वासना का शिकार बनाना चाहता हो, वो महिषासुर है। चाहे फिर उसके पास कितनी भी समृद्धि हो, विश्व का विजेता हो, बड़ी उपलब्धियां हो, बल भी हो, बड़ा पद भी हो, कुछ भी हो, चाहे ज्ञान भी हो, चाहे बुद्धि भी हो, चाहे विद्या भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो नारी शक्ति का अपमान करता होगा वो महिषासुर ही है। और ये माँ भगवती की कथा कह रही है। माँ भगवती के जो ऐसे स्वरूप को देख करके जहाँ देवताओं ने नमन किया है, ये दो तरह की दृष्टि है, याद रखिए। वो देव दृष्टि जहाँ माँ के इतने सुंदर सौंदर्य से परिपूर्ण स्वरूप को देखकर देवताओं ने नमन किया है, लेकिन वही जब ये भगवती उन दुष्टों को मारने के लिए उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए गई, सिंह पे सवार होकर अष्टभुजा धारिणी भगवती अपने सौंदर्य से परिपूर्ण होकर के जब गई, तो उन राक्षसों ने देखा तो वासना युक्त देखा। यहाँ दो दृष्टि है, देव दृष्टि जो किसी स्त्री को देखकर कितनी भी सुंदर हो, बस मन में मातृभाव, प्रेम भाव, लेकिन कैसा भाव? मेरी बहन के जैसा, पुत्री के जैसा, मातृत्व के जैसा। अरे माँ सुंदर नहीं हो सकती क्या? बहन सुंदर नहीं हो सकती क्या? बेटी सुंदर नहीं हो सकती क्या? ये भी तो दृष्टि हो सकती है। केवल सुंदरता को आप वासनाओं में क्यों शिकार बनाते हो? स्त्री को तो भगवती का ही स्वरूप मानते हैं, इसलिए भगवती ने स्त्री को बनाया ही सुंदर है। भीतर है उसके भाव से भी और बाहर स्वरूप से भी, लेकिन उसको देखकर तुम महिषासुर क्यों बनते हो? तुम भाव ये रखो, मेरी पुत्री छोटी है तो बेटी, अगर थोड़ी बड़ी है, मेरे समान है, तो मेरी बहन हो सकती है, छोटी बहन, बड़ी बहन। अगर कुछ उम्र की है तो मेरी माँ के रूप में हो सकती है, जैसे मेरी माँ है वैसे ये भाव रखना। मातृशक्ति का ये सम्मान है, इस तरह की दृष्टि मातृशक्ति के लिए और बेटियों के लिए रखना। यह है नारी शक्ति का पूजन, यही है नारी शक्ति की पूजा। आज जब माँ महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली है, इस रंभ के बेटे से जब युद्ध करने के लिए माँ चली है, तो पहले इसके मंत्रीगण आए। उन्होंने जैसे ही देखा माँ के स्वरूप को, बस देखते ही रह गए। इतनी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी, और जाकर के कहा कि वो तो इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है। तुरंत इसके मन में वासना जगी, इसने कहा प्रस्ताव लेकर जाओ और ये कह दो कि मेरी पटरानी बन करके रहे, सारे सुख और ऐश्वर्य इसको दूंगा। स्त्री को युद्ध करने के लिए नहीं है, जाओ प्रस्ताव लेकर के जाओ। माँ भगवती ने कहा क्या कायरों की तरह बात लेकर आए हो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध में खड़ी हूं मैं, तलवार लिए, त्रिशूल लिए, गदा लिए, युद्ध की बात करो। वो कहता है हमारे महाराज की यहाँ पटरानी बनकर रहो।
माँ भगवती ने तमाम दुष्टों का दमन तो किया ही है इस महायुद्ध में, लेकिन इन दुष्टों के साथ साथ एक समाज को भी ये दृष्टि दी है, समाज को भी ये नजरिया दिया है कि महिषासुर केवल एक ही समय में नहीं होते, समय समय पर वो जन्म लेते रहते हैं। माने जिसकी वृत्ति आसुरी है वो महिषासुर, जिसकी वृत्ति में वासना, जिसकी वृत्ति में माँ को देख करके भी इस तरह का भाव आ जाए वही तो महिषासुर है। माँ भगवती ने युद्ध के लिए ललकारा। जब इनके सब मंत्री वगैरह सबको समाप्त किया ना माने, तब महिषासुर को रोष और क्रोध आया। ये स्वयं गया है, मैं युद्ध करूंगा, अब तो उस अभिमानी स्त्री को पकड़ कर लाऊंगा, मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। लेकिन जैसे ही गया, देखते ही रह गया, इतनी सुंदरता, फिर ये पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ा रहा है, मैं दास बनकर रहूंगा, मैं सेवक बनकर रहूंगा, मेरे साथ चलो, मेरी पटरानी बन जाओ। ये वासनाओं में गुलाम हो रहा है, भूल गया मैं युद्ध करने आया हूँ, अस्त्र शस्त्र सब छूट गए। और माँ भगवती ने प्रहार किया है आज, और त्रिशूल उस शरीर में घोप करके आज महिषासुर को मार दिया है। बोलिए महिषासुर मर्दनी मात की जय। महिषासुर के मर्दन के उपरांत फिर यहाँ पर जो राजा बना है वो शुंभ बना है, शुंभ की नियुक्ति हुई है। यहाँ शुंभ और निशुंभ दो भाई है, जिनके सेनापति और जो सेवा में है वो चंड मुंड धूम्रलोचन आदि सब इकट्ठे हो गए। और ये राजा बना जब शुंभ तो रक्त बीज भी आ गया, क्योंकि ये एक खासियत होती है बुरे लोगों की कि वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक झुंड में आ जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की बस यही कमजोरी होती है कि वो कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, एक साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करते। ये सारे इकट्ठे हो गए, चोर निकलता है ना अकेला नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं चार छह को मिला के निकले। हाँ बस बस अच्छे लोग इकट्ठे नहीं, दुनिया में बुराई इसलिए नहीं फैल रही है कि बुरा करने वाले ज्यादा है, बुराई इसलिए फैल रही है क्योंकि अच्छे लोग चुपचाप बैठे हैं, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं है, अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं, अच्छे लोग आगे नहीं आते हैं, बस इसीलिए फैल रहे। माँ भगवती ने समाप्त किया है बुराई को, और ऐसे ही जैसे इन दुष्टों का दमन किया है वैसे ही माँ ने फिर इन सभी का दमन किया है। चंड मुंड धूम्रलोचन जितने भर भी है, यहाँ माँ ने कौशिकी का रूप धारण किया। चंड मुंड को मारने के पश्चात माँ को ही चंडिका कहा, चंडिका नाम पड़ा माँ का। और फिर जब रक्त बीज को मारने का समय था और जितने भर वो रक्त की बूंदे गिरती जा रही थी उतने रक्त बीज पैदा हो जा रहे थे, नकली रक्त बीज, तब माँ ने कालिका का रूप धारण किया है और उस रक्त बीज के रक्त का पान करती गई है, भगवती मारती गई है, ये निशाचरों का खून पीती गई है काली। और आज माँ के अनेक स्वरूप हो गए, माँ की शक्ति भी जैसे इन सब बुरी शक्तियों ने संगठन बनाया, आज माँ की शक्ति भी कई स्वरूपों में आज यहाँ संगठित हुई है। कौशिकी बनकर, शिवा बनकर, कालिका बनकर, चंडिका बनकर, माँ काली बनकर, और इन सब शक्तियों ने संगठित होकर के इन सब दुष्टों का संहार किया है। और रक्त बीज का सारा रक्त पान करके माँ ने आज संहार कर दिया, अनेकों स्वरूप में माँ भगवती ने सभी दुष्टों का दमन किया है और प्रकट हुई है माँ हमारे सबके कल्याण के लिए।